एआईएमआईएम के मुखिया एवं हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी द्वारा एक ट्विटर पर आस्क असद में पूछे गए सवालों के उन्होंने बड़े मजेदार जवाब दिए हैं। उन्होंने ट्विटर पर अपने विचारों को भी शेयर किया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर पर हो रहे आतंकी हमले पर रोक लगाने पर सवाल पूछे गए, उन्होंने रोक लगाने पर जोर दिया है। कश्मीर भी भारत का हिस्सा है, हिंसा पर रोक लगाना चाहिए, भड़काऊ बयान देने से बाज आने ही कश्मीर में शांति और अमन का माहौल पैदा करेगा। साथ ही उनसे पूछा गया कि सत्ता में आने के बारे में उनकी क्या मंशा है, एक बड़ा सवाल जो कि हालांकि हर बार उठता है। तो सांसद ओवैसी ने कहा कि मैं पहले भी सक्रिय हूं और आगे और बड़ी पार्टी बनकर उभर कर आऊंगा। सांसद ओवैसी से ये भी पूछा गया कि राष्ट्रगीत के गाने को लेकर कोई उनमें विरोध है या इस बारे में क्या कहा जा रहा है, तो उन्होंने कहा है कि जबरदस्ती थोपने पर उनका विरोध है। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी भी परिस्थिति में जय हिंद कहने में कोई भी परहेज नहीं है, वे हमेशा जय हिंद कहने के लिए तैयार हैं। कभी उन्होंने नहीं कहा है कि वे जय हिंद नहीं बोलेंगे। जब चुनाव के बारे में पूछा गया, आम चुनाव 2019 में पूछा गया, तो क्या इस बार भी प्रांतीय राजनीतिक दल की भूमिका निभाएंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, इस बार बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी। सोशल मीडिया पर पूछा गया था कि अगर प्रधानमंत्री बनाया जाएगा तो क्या करेंगे, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उनकी ऐसी कोई इरादा नहीं है, जिस पद पर हैं उसी से संतोष हैं। तो ये भी पूछा गया था क्या आप हैदराबाद तक सीमित रहेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, तेलुगु राज्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र की राजनीति में भी उनकी गतिविधियों पर ध्यान दिया जा रहा है। आखिरकार उन्होंने आस्क असद में शामिल सभी लोगों को धन्यवाद दिया, और खास बात यह कि उन्होंने कहा कि उन्हें कोई भी परहेज नहीं है जय हिंद बोलने से। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस बार 2019 में पूरी तरह से बड़ी पार्टी के रूप में बाहर आएगी। और आपको बता दें कि इसको लेकर, अयोध्या मसले को लेकर भी उन्होंने कहा है कि श्री श्री रविशंकर के उस टीम में शामिल होने में उन्हें कोई एतराज नहीं है। मध्यस्थता के दौरान तीन लोगों का नाम दिया गया है जो कि इसमें अहम भूमिका निभाएंगे, जिसमें श्री श्री रविशंकर का भी नाम है। तो बस उन्होंने यही कहा है कि श्री श्री रविशंकर एक तरह से बिल्कुल बिना भेदभाव के यहाँ काम करें, जो जिम्मेदारी दी गई है उसमें खरे उतरे, तो उन्हें कोई एतराज नहीं है।